बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का चैप्टर नंबर 15 हम लोग करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं कि जब हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्रिएट करने के होते हैं, हमें क्या फ़ायदे वो देता है, किस तरह हम उस डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि फर्दर आप लोगों ने सब ने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है कि आप लोग का डेटाबेस क्रिएट होता है वो आपके डाटा सेव करने के लिए क्रिएट होता है। सेव क्रिएट कैसे होता है कि आप लोगों का फॉर एग्जांपल एक डाटा है, वो यूनिवर्सिटी में भी है, वो कॉलेज में भी है और वो आपके पास भी है, तो उस डाटा को सेंट्रलाइज रखने के लिए हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या होता है, डाटा एक ही डाटा हर प्लेस पर यूज़ होता है जो डाटाबेस। अब अगर पुरानी एग्जाम्पल ली जाए तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हम इसे कहते हैं, कि जो पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था उसमें और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। इसकी एक इजी एग्जांपल हम ले सकते हैं स्कूल से। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि पुराने स्कूल्स में क्या होता था कि फाइल जो आप लोगों ने जब एडमिशन लिया तो आपने अपना नाम लिखाया, जैसे किसी बच्चे का नाम लिख लेते हैं जिसका कॉन्ट्रोवर्शियल नाम हो, हाँ उमैर, ठीक है, तो ओ एम ए आई आर भी उमैर होता है और यू एम ए आई आर भी उमैर होता है, बट उसने जो अपने बे फॉर्म पर लिखवाया था वो यू एम ए आई आर था और जो उसने स्कूल में लिखवाया वो क्या है, ओ एम ए आई आर, ठीक है। जब वो मैट्रिक में गया तो उसका ओ एम ए आई आर चला गया और बे फॉर्म पर क्या है, यू एम ए आई आर। तो अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहा है कि नाम उसका क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, सेपरेट फाइल में सेपरेट डिफरेंट नेम्स उसके शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जनाब साहब जब वो एडमिशन वो ले, अब तो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड दिखाएं तो आपका आईडी कार्ड बन जाता है, बट बे फॉर्म से अगर उसने बनाना है तो उसका यू एम ए आई आर स्कूल का क्या है, ओ एम आई आर, तो फिर ये क्या होगा, मसला होगा इससे। तो ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था मगर ये डेटाबेस में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी को डिक्रीज़ करते हैं, रिड्यूस करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि डेटाबेस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल What is the difference between tables and database? Tables और database में क्या difference है? Basically आपको पता है कि जब हम एक table create करते हैं तो हम लोग एक simple table create करते हैं, जैसे मैं class का create करता हूँ table, कि ये student है, ये उसकी ID है, उसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये एक table create हो गया। अब database भी क्या होता है कि information gather करते हैं with the help of table हम लोग। अब इसको ज़रा read out करते हैं ताकि आपको सही clear हो जाए। When we think of database, we often think of a table of information. अब देख लें वही बात जो मैंने आपको की है कि tables की जो information होती है उसको हम क्या करते हैं, use करते हैं आता database। मतलब database create क्या हो रहा है, tables में हो रहा है, और tables की जो information है उसको हम database कह सकते हैं। For example, your iTunes or similar applications records the titles as अब basically इसकी iTunes की examples ले लें आप लोग, या आप लोग automobiles की example ले लें, या रजिस्ट्रेशन की, या व्हीकल आइडेंटिफिकेशन की, ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास ना इसकी लिखी हुई हैं। मैं आपको सिंपली एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको देखा जाए तो आप लोगों की जो प्लेलिस्ट होती है उसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स या लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वीडियोस आपके पास पड़ी होती हैं, तो वो इन अ फॉर्म ऑफ टेबल पड़ी होती हैं कि आपने ये व्यू किया, फिर ये व्यू किया, ये व्यू किया, देन ये व्यू किया, ठीक है। अब आप लोगों के फेवरेट सॉन्ग्स जिस तरह हैं, मतलब आप लोग सॉन्ग सुनते हैं तो आपके मोबाइल में एक ऐसा ऐप होता है जो आपके सॉन्ग्स को रन करता है, ठीक है, म्यूज़िक की ऐप जो भी है, तो वो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सिलेक्टेड चलाते जाते हैं म्यूज़िक। अब उसने क्या किया होता है, वो सारे म्यूज़िक को ऐसे रखा होता है और अब उसी में एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है कि रिसेंटली प्लेड, कि जो आपने रिसेंटली प्लेड किए हैं वो भी आपके पास मैसर हैं कि आप वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 1000 सॉन्ग्स पड़े हैं तो 1000 सॉन्ग में से मुझे उस सॉन्ग को ढूंढना बड़ा मुश्किल है जो मैंने परसों सुना है, तो मैं क्या करता हूँ, रीसेंट वाले में जाता हूँ, उसमें मुझे वो मिल जाता है जल्दी, मैं उधर से प्ले करके दोबारा सुन सकता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स कुछ दिए हैं यहाँ पर, मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ ताकि आपको सही क्लियर होता जाए। एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स द टाइटल, आर्टिस्ट, रनिंग टाइम एंड सो ऑन इन एडिशन टू एक्चुअल MP3 डाटा, योर फेवरेट सॉन्ग्स इन आर रो इन दैट टेबल। बेसिकली यही बात मैंने आपको बोली है कि जो आपके सॉन्ग्स हैं फेवरेट सॉन्ग वो क्या होंगे, एक रो में होंगे और एक टेबल में, एक टेबल की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। अब देखें लिखा हुआ है, अनदर एग्जाम्पल इन इज़ योर स्टेट डेटाबेस, स्टेट्स डेटाबेस ऑफ डेटाबेस ऑफ ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन विच रिकॉर्ड्स द ओनर नेम, एड्रेस, द व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर,
देख लें, ओनर नेम, एड्रेस, उसके बाद व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम VIN भी कहते हैं, ठीक है, दी लाइसेंस प्लेट, उसके बाद एंड सच एज, मतलब अप टू सो ऑन, मतलब हमें चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो भी क्या होती है ना, रो पड़ी होती है हमारे पास। अब ये देखें कंपेयरिंग टेबल्स, बेसिकली ये एक टेबल उसने अपडेट किया हुआ है। यहाँ पर देखें टू सी द डिफरेंस बिटवीन द डेटाबेस टेबल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ टेबल्स सच एज स्प्रेडशीट एंड HTML टेबल्स कंसिडर्ड द रोज फॉर कैनेडा इन द CIA's डेमोग्राफिक डेटाबेस द रोज दिस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह है। यहाँ पे देखें ये एक सिंपल टेबल, उसके बाद यहाँ पर ये एक टेबल दिया हुआ है जो HTML में लिखा हुआ है, ठीक है, HTML में एक टेबल लिखा हुआ है, XML में लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक टेबल लिखा हुआ है जो उसने प्योर क्या किया, टेबल फॉर्म किया हुआ है डेटाबेस की फॉर्म में कि हमारे पास ये स्प्रेडशीट की फॉर्म में कि हमारे पास ये डाटा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस डाटा को सर्च करना कैसा है, उसके बाद देन अगेन उसने HTML कर लिया, आपके पास बुक पड़ी हुई है, आप उसको देखते जाएँ ताकि आपको सही क्लियर होता जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें उसने HTML की फॉर्म में लिखा है TR, आपको पता है कि टेबल रोज होती हैं उसके लिए यूज़ होता है, TD टेबल डाटा होता है, आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ साथ साथ इसीलिए ताकि HTML का भी आपको क्लियर होता जाए। उसके बाद बैक स्लैश जो TD लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो डाटा है ये बॉक्स में कम्प्लीट हो गया, नेक्स्ट में चले। अब डेटाबेस की एडवांटेज, अब बेसिकली डेटाबेस की बहुत सारी एडवांटेज हैं, ठीक है, बेसिकली ये आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों का जो डाटा होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे यूनिक कैसे हो सकता है कि आप लोगों का वो जो डाटा होगा वो ऑल दी वर्ल्ड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, वो कभी भी डुप्लीकेट डाटा नहीं होगा या उसको हम डुप्लीकेट डाटा नहीं कह सकते क्योंकि वो क्या होता है जहाँ जहाँ पर भी प्रोवाइड किया गया होगा सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके एक ईजी एग्जांपल ये देता हूँ कि आपके फादर का जो आईडी कार्ड है अगर उसको हम यूज़ करें तो आप सबके जो वे मतलब फॉर्म्स हैं आईडी कार्ड्स के नंबर्स हैं वो आपके फादर के नाम पे निकल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डाटा, ईच डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ इज़ गिवन अ यूनिक टैग, बेसिकली यहाँ पर देख लें वो कह रहे हैं जो डिफरेंट टैग्स यूज़ करेंगे हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे उनसे हम डिफरेंट यूनिक टैग्स देंगे। बेसिकली मैंने यही बात की है कि हर डाटा को यूनिक टैग देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फर्दर उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है, आप लोगों ने खुद इसको रीड आउट करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये HTML के थ्रू लिखा हुआ है। अब आता है जी XML, XML लैंग्वेज है जी बेसिकली एक, ठीक हो गया, और ये लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं हम लोग extensible। चलें जी दोबारा शेयरिंग पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास लिखा हुआ है XML लैंग्वेज फॉर मीटर डाटा टैग्स। बेसिकली XML लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है बेटा जी जिसमें आप लोगों को कोई भी इतनी वो कहते हैं ना लैंग्वेज की नोन होना ज़रूरी नहीं है, आप लोग अननोन भी हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा वे है, जैसे हम लोग एल्गोरिथम लिखते थे, अगर आपको याद हो तो मैंने एक टी का एल्गोरिथम आपको बताया था कि टी कैसे क्रिएट करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे तो आप लोग क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर XML का वो क्या कह रहा है कि XML stands for अगर आपको सही तरह क्लियर आ रहा हो तो extensible markup language and like hyper markup language, यहाँ पर देखें that you have already know it is the basically a tagging schemas making it rather
अब देख लें वो क्या कह रहा है कि एक स्कीमा है, टैगिंग स्कीमाज है यहाँ पर, ये देखें टैगिंग स्कीमाज। अगर आपको याद हो कि HTML में टैग्स हम लोग यूज़ करते हैं, दी टैगिंग स्कीमा यूज़ फॉर दी ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इन चैप्टर 7। अब यहाँ पर वो एक ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की एग्जांपल आपको दे रहा है, जहाँ पर वो टैग्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर अब वो आपको डेमोग्राफिक दे रहा है कि XML क्या होती है। अब बेसिकली XML की एग्जांपल देखते हैं तो आप लोगों को सही क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें उसने एक एग्जांपल दी है, यहाँ पर उसने प्लेसेस की एग्जांपल दी है। आप प्लेसेस अपने से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग अपने से भी प्लेसेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आई नेम लिख रहा है और एरिया लिख रहा है। यहाँ पर देखें वी वॉन्ट टू रिकॉर्ड द मीटर डाटा दैट इज़ आइडेंटिफाई विच डाटा इज़ एन आइसलैंड नेम एंड विच इज़ द एरिया एज यूजल द टैग इज कंपेनियन क्लोजिंग टैग्स सराउंड द डाटा। अब बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आइसलैंड और एरिया के नाम डिफरेंटली आपने शो करवाने। तो यहाँ पर देखें आइसलैंड का जो है नाम वो हमने इस तरह लिख लिया, और जो उसके बाद हमारे पास एरिया के एरिया है वो हमने इस तरह उसके टैग्स लगा लिए। और याद रखिएगा HTML या XML में क्या होता है कि आप लोगों ने अगर टैग ओपन किया है तो टैग क्लोज भी करना है, और वो बैक स्लाइस से आप लोग क्लोज करते हैं। आप लोगों को ये फिगर नज़र भी आ रहा होगा एग्जांपल्स में कि हम लोग देख सकते हैं कि बैक स्लाइस से वो क्या कर रहा है, उस क्लोज़ कर रहा है टैग्स को। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर नीचे देखें उसने, नीचे देखिएगा ज़रा थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप लोगों को डिटेल में एग्जांपल में वो बता रहा है जो मैंने बोला आइसलैंड और एरिया का। यहाँ पर देखें, यहाँ पे वो देखें क्या कर रहा है, आइसलैंड नेम देन उसने क्या किया एरिया देन एरिया नेम देन आइसलैंड को क्लोज कर दिया। अब बेसिकली वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि जो ये जो आइसलैंड आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये इसी का एरिया है, तो इसी वजह से ये आइसलैंड टैग में ही आपने शो भी करवाना है, ठीक है। उससे वो क्या कर रहा है, आइसलैंड टैग में शो भी करवा रहा है, और वो आइसलैंड फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फर्स्ट आइसलैंड है, उसका एरिया है 1048। तो वो देख लें आप लोग कभी गौर से देखें तो वो आइसलैंड अगर उसने ओपन टैग में लगाया तो उसने आइसलैंड एट द एंड एरिया के बाद क्लोज टैग में भी लगाया, ताकि वो टैग क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। आप XML को थोड़ा सा डिटेल में खुद भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर कुछ इसके क्लोजिंग टैग्स है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फर्स्ट लाइन, रिक्वायर्ड फर्स्ट लाइन बेसिकली दिस लाइन इज़ द फर्स्ट लाइन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर XML then must be appears as the star first line on of the file starting in the first position. Ab first tag basically the root element, dekha the first tag encountered is the root element and it must be enclosed at of all the file content it appears on the second of possibly third line. Basically yahan par wo first tag ka bata rahe, then closing tag all tag must be closed. Basically HTML jab aap log yahan, आप लोगों ने HTML थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि अगर टैग आपने लगाया तो उसे क्लोज़ करना लाजमी है, अदरवाइज़ वो क्लोज़ नहीं किया जाएगा तो वो एरर, नहीं तो वो आउटपुट में शो नहीं करेगा वैल्यूज़ को। अब एलिमेंट नेमिंग, बेसिकली एलिमेंट नेमिंग में वो बता रहा है कुछ रूल्स हैं उसके, उसको आपने फॉलो करना है। नेम कंटेन्स लेटर नंबर्स अंडरस्कोर्स कैरेक्टर्स, मस्ट नेम मस्ट नॉट बी स्टार्ट विद द नंबर और पंक्चुएशन करेक्टर। बेसिकली ये कुछ रूल्स उसके अपने हैं कि वो कह रहा है कि आप लोगों ने नेम स्टार्ट करना है तो वो नंबर से यूज़ नहीं करना। नेम मस्ट नॉट बी विद द लेटर XML और XML दिस, फॉर एग्जांपल नेम को आप लोग इससे स्टार्ट नहीं कर सकते XML से स्टार्ट। केस सेंसिटिव, आप लोग कह सकते हैं कि जो XML है, XML टैग्स आर एंड एट्रीब्यूट्स आर केस सेंसिटिव। बेसिकली ये क्या है, एक केस सेंसिटिव फॉर्म में आ रहे हैं। अब केस सेंसिटिव क्या होता है, बेसिकली लोअर केस और अपर केस, ठीक है ना, ये कुछ केस सेंसिटिव होते हैं। इंशाल्लाह इनको फ्यूचर हम लोग डिस्कस करेंगे, लोअर और अपर केस कौन से होते हैं। लोअर केस वो होते हैं, चले मैं बता देता हूँ, लोअर केसेस वो होते हैं जो छोटी अल्फ़ाबेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, जैसे ABC स्मॉल में होती है वो वाली होती है, और अगर हम लोग कहते हैं हायर केस सेंसिटिव तो वो क्या होती है, अल्फ़ाबेट में हमारे पास प्रोवाइड की जाती है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में प्रोवाइड की जाती है, ABC जैसे वो होती है, तो उसे हम हायर केस सेंसिटिव बेसिकली कहते हैं। अब प्रॉपर नेस्टिंग,
ऑल टेक मस्ट बी वेल नेस्टेड. अब नेस्टेड क्या है बेसिकली, आप लोगों ने उनको टुगेदरली वेल मैनेज करके यूज़ करना है, ताकि वो जो टैग आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या हों, कनेक्टेड हों, और वो डाटा को क्या करें, एक फ्लो में प्रोवाइड करें और आप लोग उनको यूज़ करें. एट्रीब्यूट बेसिकली, एट्रीब्यूट में वो क्या कह रहा है कि आप लोग का क्या कह रहा है, ऑल एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कोटेड पेयर सिंगल कोट्स और पेयर डबल कोट्स और ओके. ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम सिंपल कोट किया जाए, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में कोट किया जाए तो फिर भी क्या है, ठीक ठीक है. अब वाइट स्पेस, अब बेसिकली वाइट स्पेस क्या होता है, वाइट स्पेस बेसिकली, वाइट स्पेस इज प्रिजर्व्ड एंड कन्वर्टेड टू अ सिंगल स्पेस. आप लोगों ने स्पेस देनी है, सिंगल स्पेस यू कैन यूज द वाइट स्पेस विच इज़ यूज, विच इज़ प्रिजर्व, विच इज़ कन्वर्टेड टू अ सिंगल स्पेस, बेसिकली सिंपल स्पेस में वो यूज़ होता है. कमेंट्स, कमेंट्स के लिए आप लोग ये साइन यूज़ करते हैं, आप लोग लिखते हैं लेस देन, उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन मार्क और देन हमारे पास क्या होती है, हम लोग कमेंट्स लिख देते हैं उसमें. और कमेंट्स पता है क्या एक चीज़, हाँ हाँ इसमें मैं आपको बताऊँ कि जो भी कमेंट्स आप लिखेंगे, ये एक प्रॉपर वे में आ भी गया, आपको नज़र आ रहा होगा, आप लोग इसको भी रीड आउट करें लाजमी. आप लोग उसे भी लाजमी रीड आउट करें कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि XML का क्या था. कि यहाँ पर देखें, फर्स्ट लाइन तो मैंने जो बोली थी वो तो मस्ट लिखनी ही लिखनी है आपने, XML वर्जन इक्वल्स टू 1.0 एनकोडिंग और UFT देन 8 देन क्वेश्चन मार्क देन दिस, अब आगे आइसलैंड के नेम्स विद एरियाज एंड देन क्लोजिंग. अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक चीज़ थी हाथ जो कमेंट्स के लिए थी. अब बेसिकली कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कमेंट्स क्यों लिखते हैं हम लोग, या कमेंट HTML या XML में क्यों लिखने चाहिए. बेसिकली हम कमेंट इसलिए लिखते हैं, जो वेब प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पता है कि कमेंट हम इसलिए लिखते हैं कि जो फर्दर यूज़र यूज़ करने आएगा उसको कंप्लीट रिकॉर्ड या कंप्लीट जो डाटा होगा या कंप्लीट कोड को रीड आउट नहीं करना पड़ेगा, उसे सिर्फ वो कमेंट देखना है जो मतलब लिखा होता है, और कमेंट कहीं शो भी नहीं होता. ठीक है, उसे अनहाइड कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि वो हाइड हुआ होता है जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब कमेंट इसलिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पर वो XML की एग्जांपल दे रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस. अब यहाँ पर एक्सपेंडिंग द यूज़ ऑफ XML, एक्सपेंडिंग द यूज़ ऑफ XML. अब यहाँ पर आता है हमारे पास, अच्छा एक मिनट रुकें जी बच्चा जी, मैं आ रहा हूँ. आप लोग तब तक ना ये फटाफट इस कोड को पढ़ें, तो मैं आप लोगों को लेक्चर स्टार्ट करता हूँ इसके बाद.